राम राम भाई, सारे भाइयों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेहलू डेयरी फार्म सिधाणी में। जो भाई चैनल से नए जुड़े हैं, वीडियो को देख पा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में घंटे का बटन दबाएं भाई, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब भाइयों को मिलता रहे। और जो भाई फेसबुक के जरिए वीडियो देख रहे हैं, तो फेसबुक पर अपना पेज है भाई वकील मेहलू सिधाणी के नाम से, वहाँ पर भी पेज को लाइक करें, फॉलो करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई वहाँ पर भी शेयर करें। आज की वीडियो भाई मेरे गांव के साथ ही लगता पंजाब का गांव है, गांव कुलरिया, ज़िला मानसा का गांव है ये। और भाई कुलदीप भाई हैं, वहाँ पर पशुपालक का काम करते हैं और भाई के पास कई भैंसे हैं, कई कटड़ियाँ हैं भाई के पास भाई, और ब्रीडिंग का भी भाई अच्छा काम कर रहे हैं भाई, सीमन वगैरह अच्छा यूज़ करें, सरकारी सीमन यूज़ कराया भाई ने, दो तीन जोटियाँ तैयार करी थी, पहले सेल कर दी। और ये जोटी भाई जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जोटी दूसरे ब्यांत में है, ये भाई सेल के लिए है और इसने फर्स्ट टाइम में 13 लीटर दूध निकाला था भाई, और कुलदीप भाई इसको परचेज करके लेके आए थे भाई पहले ब्यांत में। इसका सीमन का पता नहीं है अभी कौन से सीमन की है, और जो आगे इसके सीमन रखवाया गया वो अच्छा सीमन रखवाया गया है, वो आप कुलदीप भाई से फ़ोन पे बात करके आप कन्फर्म कर सकते हो। अगर भाई जोटी की लंबाई और हाइट की बात करें भाई, बहुत अच्छी हाइट की जोटी है और लंबाई भी पूरी बहुत बढ़िया है। ये साथ में कुलदीप भाई खड़े हैं, देखो इनकी हाइट भी बहुत लंबी है और कुलदीप भाई की दो वीडियो मैंने पहले भी डाली थी भाई, जो एक अपना HLDV की जोटी थी जो पीछे सेल करी थी इन्होंने। और भाई अच्छे पशुपालक हैं, देखो पशुपालक के साथ साथ भाई 25-30 किलो में खेती भी करते हैं भाई। और दिक्कत ये हो जाती है, देखो पशुओं की केयर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। और कुलदीप भाई लगभग 1.5 साल से अपने फेसबुक ग्रुपों से जुड़े हैं, तो भाई ने मेरा नंबर लिया तो चलो बातचीत की, तो अपने टच में है भाई। देखो जितनी जानकारी है कुलदीप भाई के साथ शेयर ज़रूर करा। अच्छा पशुपालक जो अपने आस पड़ोस का हो, देखो भाई मन को संतुष्टि हो है और खुशी भी मिला है, चलो भाई कोई ना कोई भाई अच्छे तरीके से पशुपालक तैयार करके अपना तरक्की की ओर चले भाई। और भाई जिस भाई को जोटी लेनी हो, देखो स्क्रीन पे नंबर दिया जाएगा, अपनी पूरी संतुष्टि करके भाई के साथ बातचीत करके जोटी आप ले सकते हो। और सींग आप देख सकते हो भाई, शरीर पे जस्ता सींग है, लंबाई बहुत बढ़िया है, हाइट भी बहुत बढ़िया है। और अपना भाई कुलदीप भाई के पास आके अपनी संतुष्टि करके स्क्रीन पर नंबर दिए से बात करके आप आके इसको ले जा सकते हो। आर्डर भाई अभी खोलने लगी है, 20 दिन जोटी के अभी बाकी हैं, और पिछले ब्यांत इसने 13 किलो दूध दिया था भाई, अब की बार देखो ये कितना करती है, देखो वो टाइम ओके की बात है। एक भाई हमारी साइड फेसबुक ग्रुपों से मतलब बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, लगभग ये मान के चलो 10% लोग जुड़े हुए हैं भाई। तो जो ये खान पान का तरीका है, देखो बहुत ही गलत सिस्टम है थोड़ा, जैसे ये मान लो भी हरा चारा बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं भाई, फीड की तरफ ध्यान कम है, हरा चारा ही ये मान के चलो सुबह ही डाल देते हैं, जिस टाइम 10-11 बजे लेके आए हैं भाई खेत में काम करने जाना हुआ है तो अपना खुरली भर जाए भाई, वो सारा दिन खाई जा मैं, सारी रात खाई जा मैं भाई, फिर वो बात नहीं बनती है। चलो जितने भाई अपने टच में हैं भाई उन सबको ज़रूर भाई जितना का अपने पास जानकारी है सबको ज़रूर दें। और भाई जैसे अब गर्मियां स्टार्ट हो जाती हैं, जिस टाइम से उस टाइम खेत में मक्की वगैरह बीज लेते हैं और फिर उसको जीरी लगाने के लालच में भाई कोरी ही डालते हैं, पशुओं को थोड़ी वगैरह बिल्कुल नहीं मिलाते उसमें, और उसमें पशुओं का नुकसान ही है ज़्यादा भाई। देखो ज़्यादा हरा भी पशु को नुकसानदायक है, देखो फीड साथ में शरीर को मेंटेन रखने के लिए भाई फीड ज़रूरी है डालनी,
तो जितने भाई अपने साथ जुड़े हुए हैं और जो आस पड़ोस के लोग हैं भाई, सबके साथ देखिए ये बातें शेयर करें, माने या ना माने वो अगले की मर्जी है भाई। और भाई ये जोटी जो आपने देखी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये M29 की जोटी है भाई। पहले व्यांत इसने बच्चा दिया है, इसने लाडले का मेल काफ दिया है भाई। अब इसको लगभग 25 दिन के करीब भाई ब्याही को हो गए और ये दोबारा हीट में भी आ गई और भाई ने AI भी करवा दी भाई इसकी। और इसने भाई फिलहाल ये मतलब 13.5 पे चल रही थी, हीट में आने के कारण थोड़ा दूध कम कर गई। अब भाई उम्मीद है देखो 14+ तो इसने जोटी निकालना चाहिए। भाई को बताया था फीड फाट भी अच्छी फीड डालो इसको, थोड़ा मोटा अच्छा प्रदर्शन भाई उम्मीद है जोटी के करने की। सुबह की वीडियो है भाई जिस टाइम दूध निकालने के बाद की, लगभग 9 बजे ये वीडियो बनाई थी। और जो भाई इस जोटी की माँ वो भी कुलदीप भाई के पास है, उस वो है भाई 14 लीटर दूध वाली, वो कहीं ब्यांत भी आ चुकी है भाई, 14 लीटर दूध दे रही थी पिछले ब्यांत फिलहाल है। और भाई चलो आगे अच्छे सीमना यूज करके बढ़िया प्रदर्शन होगा। और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए भाई सभी भाइयों को धन्यवाद, सभी भाइयों को राम राम।